हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जिसका नाम है मास्क गर्ल। सीरीज के शुरुआत में हम अपनी लीड कैरेक्टर मोमी को देखते हैं, जो स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। बचपन से ही उसका सपना एक सेलिब्रिटी बनना था। जब ऑडियंस लोग उसके लिए तालियां बजाते थे तब उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे एहसास हो गया कि सिर्फ टैलेंट होना ही इस दुनिया में काफी नहीं है, टैलेंट के साथ साथ लुक्स होना भी बहुत जरूरी है। दुनिया के साथ साथ उसकी खुद की मॉम भी उसे एहसास दिलाती थी कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसी शक्ल के साथ तुम क्या ही सेलिब्रिटी बनोगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ऑडियंस उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसका मजाक बनाने लग गए, और इसी वजह से उसका सारा कॉन्फिडेंस गिरता गया। परफॉर्मेंस करने के बजाय वो ऑडियंस में बैठी रहती थी। यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे आ जाता है, जहाँ पर मोमी 27 साल की हो चुकी है। वो कहती है, जैसी लाइफ मैं चाहती थी मुझे वैसी लाइफ नहीं मिल पाई। उसने एक बहुत ही आम सी लाइफ जीना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो 9 to 5 का जॉब करती थी, लेकिन जब वो काम से घर आती थी तो हमें पता चलता है कि उसने पूरी तरीके से अपने सपनों को नहीं छोड़ा था। वो मास्क और विग पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, लोगों की तारीफ सुनकर उसको बहुत खुशी मिलती थी। अगले सीन में जब वो ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके कॉलीग उसका और उसके दोस्त का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम लोगों की शक्ल तो कितनी गंदी है। ऑफिस में हम एक एरियम नाम की लड़की को देखते हैं और वो सारे ही लोगों को पसंद थी क्योंकि वो सुंदर थी। ऑफिस में हम मिस्टर पार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं। देखकर ऐसा लगता था कि वो बाकी लोगों से काफी अलग था क्योंकि वो हर एक इंसान को अच्छे से ट्रीट करता था। वो हैंडसम तो था ही, साथ में वो काम में भी बहुत अच्छा था, और इसी वजह से मोमी मिस्टर पार्क को पसंद करती थी। लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि वो मैरिड था। अगले सीन में हम मोमी को देखते हैं जो मास्क गर्ल बनकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। यहाँ पर वो ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करती है ताकि लोगों का अटेंशन ले सके। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर पार्क मोमी पर बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था। वो पार्क को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि पार्क ने अपने एप्स का फोटो सोशल मीडिया पर डाला है तो अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है प्लीज मुझे भी वो फोटो दिखा दो। अगले सीन में वो सारे ही लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ का मैनेजर पार्क को मास्क गर्ल का फोटो दिखाता है। वो बोलता है कि इस ऐप पर ये लड़की सबसे ज्यादा वायरल हो रही है और काफी पॉपुलर है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो मोमी की फ्रेंड कहती है कि ये आदमी कितना बेशरम है, कैसी कैसी लड़कियों को देखता रहता है। तो इस बात पे मोमी जस्टिफिकेशन देने लग जाती है। वो कहती है वो ऐप इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। वो मिस्टर पार्क को टैक्सी में जाता हुआ देखकर उनसे पूछती है कि क्या मैं आपके साथ टैक्सी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ जहाँ पर आप जा रहे हो। टैक्सी में मिस्टर पार्क को उसकी वाइफ का कॉल आता है। जब उसकी वाइफ पूछती है तो वो बता देता है कि मैं तो अकेला हूँ। टैक्सी से उतरने के बाद वो कंटिन्यूअसली यही सोच रही थी कि आखिर पार्क ने झूठ क्यों बोला, और मनी मन में सोचने लग जाती है कि शायद पार्क उसे पसंद करता है। इसीलिए मास्क गर्ल बनने के बाद भी वो अपने ऑडियंस से यही पूछने लग जाती है। वो बताती है आज टैक्सी में मैं अपने बॉस के साथ गई, और जब उसकी वाइफ का कॉल आया तो उसने झूठ बोल दिया कि वो अकेला है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इन सारे फैन फॉलोअर्स में एक प्रिंस नाम का इंसान है जो मास्क गर्ल के लिए एकदम पागल है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। ऑफिस में भी मोमी अपना नजर पार्क से हटा ही नहीं पाती थी। जैसे ही वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अपलोड करता था तो मोमी भागते हुए जाकर पोस्ट देखती थी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मिस्टर पार्क एरियम को बहुत डांट लगा रहा था क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था। ये देखकर मोमी को बहुत अच्छा लग रहा था, और इसी वजह से उसको रात तक लेट रुकना पड़ जाता है ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर पाए। तो मोमी उसको बाय बोलकर निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि वो अपना वॉलेट अंदर ही भूल गई है, इसलिए वो दोबारा से ऑफिस में जाती है। ऑफिस के अंदर वो पार्क को देखकर हैरान हो गई थी। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सामने जो वो देखती है उससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। मिस्टर पार्क और एरियम साथ में मेकआउट कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है। रो रोकर उसने अपना हालत खराब कर लिया था। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो ड्रिंक पीने लग जाती है, और ड्रिंक पीते पीते वो काफी टल्ली हो गई थी। और उसके बाद वो मास्क गर्ल बन जाती है। डांस करते करते वो अपने कपड़े भी उतार देती है। ऐसा करके उसने उस ऐप के रूल को तोड़ दिया था, इसी वजह से उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोचने लग जाती है कि आखिर पिछली रात हुआ क्या, इसलिए वो अपना अकाउंट चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ उसी लड़की एरियम की वजह से हुआ है, इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाकर इस बात को फैला देती है कि मिस्टर पार्क और एरियम का अफेयर चल रहा है। अब धीरे धीरे करके ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और सारे ही लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से मिस्टर पार्क को एचआर की तरफ से बुलाया जाता है। उसकी जॉब खतरे में आ चुकी थी। ये सब देखकर मोमी को कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था कि उसने ये सब क्यों कर दिया। ऑफिस से निकलते वक्त एक आदमी मोमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात ही नहीं कर पाता। वहाँ से निकलकर जब वो बाहर आती है तो वो मिस्टर पार्क को ऐसी बुरी हालत में देखती है। वो पूरी तरीके से टल्ली हो चुका था।
इसीलिए मोमी उसको संभालते हुए घर ले जाने लग जाती है। मिस्टर पार्क इतने नशे में था कि उसको अपने घर का एड्रेस तक पता नहीं था, इसीलिए मोमी उसको अपने घर ले जाती है। अगले सुबह जब मिस्टर पार्क की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में मोमी को सोया हुआ देखता है। ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वो जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है। ऑफिस आने के बाद मोमी को पता चलता है कि मिस्टर पार्क ने अपना जॉब छोड़ दिया है और वो लड़की एरियम भी यहाँ से जा चुकी है। वो जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है तब उसके आईडी पर एक मेल आया हुआ था। मेल में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम ही मास्क गर्ल हो। ये देखकर वो एकदम से डर जाती है। ट्रेन में जाते वक्त मोमी को ऐसा फील होता है कि किसी आदमी ने उसको गलत तरीके से टच किया। वो आदमी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वो आदमी कहता है तुम अपनी शक्ल देखो, कोई भी इंसान तुम्हें टच करने की कोशिश क्यों करेगा। ये सुनते ही मोमी उसका बाल पकड़कर उसको मारने लग जाती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें ने मुझे वो मेल भेजा था। पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं करती और वार्निंग देकर छोड़ देती है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मोमी को पार्क का रिप्लाई आ जाता है। पार्क ने मोमी से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वो कहता है मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट मत करना। इतना बुरा दिन के बाद जब वो घर पहुँचती है तो वो अपने अकाउंट को ओपन करती है। वहाँ पर उसे प्रिंस का मैसेज आया हुआ था। ये वही आदमी था जो हमेशा मोमी को सपोर्ट करता था और उससे अच्छे से बात करता था। बाद में हमें पता चलता है कि प्रिंस असल में है कौन। ये वही आदमी था जो मोमी के ऑफिस में काम करता था, जिसने मोमी से बात करने की भी कोशिश की थी। इस प्रिंस की भी कोई अलग टाइप की स्टोरी है और इसी वजह से वो ऐसा इंसान है। यहाँ से हमें उसी प्रिंस का बचपन का कहानी दिखाया जाएगा जो मोमी को मैसेज कर रहा था। इस आदमी का नाम ओनाम होता है और बचपन से ही सारे बच्चे इसको बहुत बुली करते थे, क्योंकि ये काफी मोटा था और इसी वजह से वो इनविजिबल रहने की कोशिश करता था ताकि कोई उसे परेशान ना करे। अब इन्हीं चीजों की वजह से वो काफी अकेला हो गया और इसी वजह से उसने अपनी दोस्ती एडल्ट डॉल के साथ कर रखी थी। उसने अपने घर में बहुत सारे डॉल्स रखे थे। पता चलता है कि ओनाम की मॉम भी उससे हमेशा नाराज रहती थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक डॉक्टर बन जाए और एक अच्छी लड़की से शादी कर अपनी लाइफ खुशी खुशी जिए। लेकिन ओनाम ऐसा कुछ भी नहीं करता। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करता था। अपनी ऐसी लाइफ की वजह से वो लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि उसे देखने में भी हिचकिचाहट होती थी और इसी वजह से वो मोमी को चुप चुप कर देखता था। एक दिन जब मोमी उसके पास एक फाइल लेकर आती है तो वो मोमी के हाथों को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके दोनों हाथों पर एग्जैक्ट जगह पर तिल है और इसी चीज से वो समझ गया था कि मोमी ही मास्क गर्ल है। ओनाम हर टाइम ही मोमी को देखता रहता था और वो उसके पीछे काफी पागल था। काम से जल्दी पहुँच कर वो मोमी के ऑनलाइन आने का वेट करता था। वो पूरी तरीके से मोमी से ऑब्सेस्ड हो गया था। एक दिन उसको पता चल जाता है कि मोमी पार्क को पसंद करती है। ये देखकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। ऑफिस में भी वो नोटिस करता था कि मोमी हर वक्त पार्क को देखती रहती है, लेकिन जिस रात उसने मिस्टर पार्क को एरियम के साथ देखा तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन जब उसने मोमी को मिस्टर पार्क की वजह से डिस्टर्ब होकर कपड़े उतारते हुए देखा तब उसको बहुत बुरा लगा। ऑफिस में भी वो मोमी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। और जिस रात मिस्टर पार्क ड्रंक हो गया था और मोमी उसे अपने साथ टैक्सी में लेकर जा रही थी, ये सब देखकर ओनाम का दिल टूट जाता है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मोमी को ईमेल भेजा था। लेकिन जब उसको मोमी का मैसेज आया तो वो बहुत खुश हो गया था। वो उसको हौसला देने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी सी मोटिवेट हो जाए, लेकिन तभी उसे किसी और लड़के का मैसेज आ जाता है जो मोमी को मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में हम मोमी को उसी लड़के के साथ देखते हैं। पूरे टाइम वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लड़का इसकी शक्ल ना देखे, लेकिन वो लड़का उसको फोर्स करने लगता है और बोलता है कि प्लीज अपना मास्क हटा दो। मोमी मास्क तो हटा देती है लेकिन अपना मुंह छुपाने लग जाती है। वो लड़का उसको पूछता है कि तुम इतने टाइम तक मास्क पहनकर क्यों घूम रही थी, तुम तो बहुत सुंदर हो। तो मोमी कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। वो लड़का बोलता है मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम सच में बहुत अट्रैक्टिव हो। और ऐसे करते करते वो बातें करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस लड़के की तो नियति खराब थी। वो उस साइट पर पोस्ट कर देता है और बोलता है कि मैं आज मास्क गर्ल से मिला, यहाँ तक कि वो लोकेशन भी डाल देता है। अब ये सब देखकर ओनाम को बहुत गुस्सा आता है। वो परेशान होकर मोमी को कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। उसके बाद वो लड़का किसी बहाने से मोमी को एक मोटेल के पास लेकर आता है। वहाँ पर जाकर वो लड़का कहता है तुम रूम में जाकर वेट करो, मैं बाहर से कुछ सामान लेकर आता हूँ। अंदर जाने के बाद मोमी को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकलने लग जाती है। तो वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए। तो मोमी उसे सारे पैसे दे देती है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम इतनी बदसूरत हो, उसके बावजूद इतना नाटक क्यों कर रही हो। ये सब सुनकर मोमी उसे एक घूंसा मारती है, लेकिन वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और इसी चक्कर में उनकी लड़ाई होने लग जाती है। और लड़ते लड़ते उस लड़के का सर एक जगह से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। थोड़ी ही देर में ओनाम भी वहां पर पहुंच गया था। वो मोमी से पुलिस को बुलाने के लिए मना करता है और बोलता है कि तुम तुरंत घर के लिए निकलो,
यहाँ पर सारा कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वह उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लड़का मरा नहीं था, लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाता है कि गड़बड़ में उस लड़के को चाकू से मार देता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि मोमी ने अपना जॉब छोड़ दिया है, इसीलिए वो उसको ढूंढने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन मोमी उसे कहीं नहीं मिलती। वो ऑफिस जाकर उसका एड्रेस निकलवाता है, एड्रेस पर पहुंचकर भी मोमी उसे नहीं मिलती। कुछ दिन के बाद वो दोबारा से मोमी को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखता है, इसीलिए वो उसके घर पहुंच जाता है। मोमी भी दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेकर जाती है। मोमी बताती है, मैं उस चीज को भूल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। ओनम कहता है, वो लड़का इतना खराब था, वो मरना ही डिजर्व करता था, तुम उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो। फिर मोमी पूछती है, तुम ही हो ना प्रिंस जो उस अकाउंट को चलाते हो, और तुम्ही ने मुझे वो ईमेल भी सेंड किया था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ओनम कहता है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, जब मैंने तुम्हें मिस्टर पार्क के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने वो सब कुछ कर दिया। पहली बार मुझे किसी इंसान के लिए फीलिंग्स आई और वो तुम हो। ये सुनते ही मोमी हंसने लग जाती है और बोलती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, सबको बस एक ही चीज चाहिए। ये सब सुनकर उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। वो मोमी को उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मोमी भी उसको रोकती नहीं है। ओनम जैसे उसके फेस का मास्क हटाता है तो देखता है कि उसका फेस तो बहुत ही अजीब हो गया है, और देखते ही देखते वो उसको चाकू से स्टैब करके मार देती है। अगले सीन में हम ओनम की मॉम किम को देखते हैं। यहाँ पे हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओनम की मॉम किम किसी आदमी से मिलने के लिए आई थी। वो उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उस आदमी के पास स्टेडी जॉब था, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही वो किसी दूसरी औरत के साथ भाग जाता है। उसका कहना ये था कि उसे इस बात का ज्यादा दुख नहीं है क्योंकि उसके पास उसका बेटा ओनम था। उसने अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा करने के लिए हर वो छोटा काम किया जो भी उसे मिलता था। इतना काम करने के बाद वो फाइनली एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उसका बेटा ओनम जब भी स्कूल से आता था तब उसके शरीर पर बहुत से निशान होते थे, उसको बुली किया जाता था। किम को लगता था कि उसका बेटा हर वक्त पढ़ाई करता रहता है, लेकिन पढ़ाई वाले बुक के पीछे वो एडल्ट कॉमिक्स पढ़ता था। और फाइनली एक दिन उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। किम को हमेशा से चाहिए था कि उसका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाता, पर उसके बावजूद उसकी मॉम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ टाइम के बाद उसका जॉब लग जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं अकेला जाकर रहना चाहता हूँ। किम कहती है, तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ ही रहो, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था, इसीलिए वो अपनी मॉम को छोड़कर चला जाता है। वहाँ जाकर वो कॉल भी नहीं करता था, और किम जब भी उसे मिलने के लिए जाती थी ओनम मिलने से सीधा मना कर देता था। बहुत टाइम से उसका कोई भी अता पता नहीं था, इस वजह से किम बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो पुलिस को लेकर उसके अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ पर जाकर उनको बहुत सारा एडल्ट सामान मिलता है और साथ ही में किसी की लाश भी मिलती है जिसका टुकड़ा करके रखा हुआ था। किम ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये बॉडी ओनम की नहीं थी। इस बात का पता चलने पर किम चैन की सांस लेती है। पुलिस ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। पुलिस को शक था कि ओनम ने इस इंसान को मारा है, लेकिन इस बात को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, वो किसी का खून नहीं कर सकता। पुलिस अब उसके सारे कॉलीग से इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस का पूरा शक मोमी की तरफ ही जा रहा था, इसीलिए वो लोग मोमी के घर पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर जाकर कुछ पता लगा सके। वहां पर जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहां की लेडी बताती है, जाते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मोमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है क्योंकि उसके चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओनम के लैपटॉप से बहुत सारे एडल्ट वीडियोस भी मिलते हैं। सबको तो यही लगने लग जाता है कि ओनम एक साइको इंसान है। ये सब देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, पुलिस मेरे बेटे को ढूंढ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसको इतना गंदा इंसान बना के रख दिया है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद ही अपने बेटे को ढूंढेगी। सबसे पहले वो उसका कंप्यूटर ऑन करती है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उसको पता चल जाता है कि मास गर्ल और कोई नहीं बल्कि मोमी है, इसीलिए वो मोमी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो कंप्यूटर चलाना सीखती है और उसके बाद वो उसी साइट पर जाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो मोमी के बारे में कुछ पता लगवा सके। वहाँ पर उसे एक टेडी नाम का लड़का मिल जाता है। टेडी किम को मैसेज करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मास्क गर्ल को ढूंढ लिया है। उसके बाद वो उसे एक वीडियो सेंड करता है जिसमें एक लड़की बिल्कुल मास्क गर्ल की तरह डांस कर रही थी। अगले दिन पुलिस को ओनम की बॉडी मिल जाती है। ये देखकर किम बुरी तरीके से टूट गई थी। अपने बेटे के फ्यूनरल के बाद वो मोमी के माँ के घर जाती है, जहाँ पर जाकर वो बहुत तमाशा करती है, लेकिन मोमी की मॉम मिलने से सीधा मना कर देती है। वहाँ पर काम करने वाली लेडी बताती है कि मोमी की मॉम ने मोमी से सारा रिश्ता खत्म कर दिया है, इसलिए उनको मोमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ टाइम के बाद वो एक लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर उसने उस डांसर लड़की को देखा था।
वहाँ जाकर उसको उस एजेंसी के बारे में पता चल जाता है जिस एजेंसी में मोमी काम करती थी। उस एजेंसी में जाकर उसे उस नाइट क्लब के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर मोमी काम करती थी। अंदर जाकर उसे एक लड़की दिखती है। वो समझ जाती है कि यही मोमी है। वो अंदर जाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसको अंदर घुसने नहीं देते, इसीलिए वो बाहरी कार में वेट करती है। कुछ टाइम के बाद वो मोमी को वहाँ से निकलता हुआ देखती है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ रह रही है। ऐसे करते करते वो रोज उसका पीछा करने लग जाती है। अगले दिन वो उसका पीछा करते करते एक सैलून में पहुंच जाती है जहाँ पर वो उस लड़की को एक नेकलेस पहने हुए देखती है। नेकलेस देखकर वो समझ गई थी कि यही मोमी है। अब उसे श्योरिटी हो गई थी, इसलिए वो एक आदमी के पास आकर गन खरीदती है ताकि वो मोमी को मार सके। टैक्सी ड्राइवर बनकर वो मोमी के नाइट क्लब के बाहर रुक जाती है। मोमी जैसे ही उसके कार में बैठ जाती है वो उसको लेकर निकलती है और रास्ते में उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आती है। वहाँ लाकर वो उसे अपने बेटे ओनाम का फोटो दिखाती है। वो लड़की कहती है कि मैं इसको नहीं जानती, मैंने इसको कभी नहीं देखा है। किम जैसे उसे मास्क गर्ल का फोटो दिखाती है तो वो कहती है कि मैं मोमी नहीं हूँ, मेरा नाम चुने है। वो लड़की कहती है मेरा भरोसा करो, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। तो किम कहती है तुमने वही नेकलेस पहन रखा है। तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि शायद मैं जानती हूँ कि मास्क गर्ल कौन है। इसके बाद ये अपना कहानी बताने लग जाती है। जब ये हाई स्कूल में थी तब सारे बच्चे इसको बुली करते थे, इसके नाम का मजाक उड़ाते थे। क्लास में उसे किसी लड़के पर क्रश आ जाता है। इस लड़के का नाम योंग होता है और ये बहुत ही जल्दी सिंगर बनने वाला था। वो उसको अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी लेकिन कभी बता नहीं पाई। स्कूल खत्म होने के बाद चुने ने एक स्टोर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर एक दिन वही लड़का योंग आता है। वो चुने को पहचान जाता है, इस बात से वो खुश हो गई थी। लेकिन ये लड़का उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है और बहुत सारा सामान फ्री में खरीद कर ले जाता है। फिर एक दिन योंग का दोस्त चुने को स्टोर के बाहर लेने के लिए आता है। वो बोलता है कि आज योंग का बर्थडे है और उसने तुम्हें इनवाइट किया है। वहाँ जाकर वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। ये सब देखकर चुने बहुत खुश थी। कुछ ही टाइम के बाद वो लड़का अपना असली रंग दिखा देता है। वो कहता है हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली, इसलिए बिल बहुत आ रहा है, क्या तुम पेमेंट कर दोगी? वो बोलता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। वो लड़की भी चुपचाप सारे पैसे दे देती है इसी उम्मीद के साथ कि वो सारे पैसे दे देगा। ऐसे करते करते महीनों हो जाता है लेकिन उसने कभी भी पैसे रिटर्न ही नहीं किए। वो चुने से तभी मिलने के लिए आता था जब उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी। एक दिन वो टीवी में नोटिस करती है कि योंग एक बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, इसीलिए वो उससे मिलने पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर योंग उसको इग्नोर कर देता है, वो देखकर भी अनदेखा कर देता है। फिर एक दिन वो योंग और उसकी दोस्त की बातें सुन लेती है। उसको पता चलता है कि योंग तो बस पैसों के लिए उसको यूज कर रहा था, वो उसके लिए बस एक बैंक अकाउंट थी और कुछ नहीं। अब ये सब देखकर चुने को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जानबूझकर योंग की ऐसी ऐसी फोटोज वायरल कर देती है जिससे उसकी बहुत बदनामी होती है और उसको बैंड से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो खुद का प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और ऐसा करने के बाद उसने स्टोर के बाहर डांस करना चालू कर दिया था। एक दिन डांस करते वक्त वो उसी लड़के योंग को देखती है जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रखी थी। वो उसके पास जाकर कहती है कि मैं चुने हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? योंग उसको देखकर शॉक हो गया था क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर चुने से रहा नहीं जाता, इसलिए वो उसको अपने घर लेकर आती है। चुने को कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग आ रही थी क्योंकि उसी की वजह से योंग का फ्यूचर खराब हो गया था। वो योंग से कहती है जब तक तुम्हारा जॉब नहीं लग जाता तो मेरे घर पे रह सकते हो। अब उन दोनों का खर्चा निकालने के लिए चुने एक क्लब में एज अ डांसर जॉब पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद मोमी ने भी उसी नाइट क्लब को ज्वाइन कर लिया था जहाँ पर चुने काम कर रही थी। जैसे ही मोमी उस क्लब में आती है तो सारा अटेंशन उसी को मिलने लग जाता है और इस बात से चुने को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तक कि चुने के सारे कस्टमर्स मोमी के पास जा रहे थे और इसी वजह से उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। लेकिन वहाँ के ओनर ने भी आकर मोमी का साथ दिया। उसी लड़ाई के दौरान मोमी का नेकलेस वहीं पर गिर गया और उस नेकलेस को चुने ने अपने पास रख लिया। प्रेजेंट में वो किम से कहती है कि उसके बाद मैंने उस क्लब को छोड़ दिया था, मैं मोमी से कभी नहीं मिली। फिर उसके बाद वो कहती है जितना आप मोमी को मारना चाहते हो उतना ही मैं भी उसको मारना चाहती हूँ। चुने उसको यकीन दिलाती है कि वो मोमी को ढूंढ के निकालेगी। अगले दिन वो दोनों ही उसी नाइट क्लब में जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मोमी ने अपना काम यहाँ से छोड़ दिया है। वो किम को भरोसा दिलाती है और कहती है कि मैं मोमी को ढूंढ के निकालूंगी। वहां से निकलकर वो सीधा मोमी के पास जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि चुने ने जो भी कहानी सुनाई थी वो आधी सच और आधी झूठ थी। एक्चुअली में तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो साथ ही में डांस करते थे, गाना गाते थे, वो बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे क्योंकि उनकी कहानी कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। और ये नेकलेस भी चुने को पसंद आ गया था, इसीलिए मोमी ने खुद से उस नेकलेस को उसे गिफ्ट कर दिया था। फिर एक दिन मोमी क्लब में नहीं आती, इसी वजह से चुने उसके घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि उसका तबीयत तो बहुत खराब था। वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है। वो बताती है कि पुलिस
पुलिस मुझे ढूंढ रही है। फिर वो चुने को सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है मैंने एक इंसान की जान ली है। मोमी की पूरी कहानी सुनकर वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कोई लड़का इन पर नजर रख रहा था। चुने जब घर पहुंचती है तो वो योंग को देखती है जो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा था, बस बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। वो समझ गई थी कि ये कभी नहीं सुधरेगा। वो उसको कहती है कि अभी मेरे घर से निकल जाओ। तभी योंग बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्ही ने उन फोटोज को वायरल किया था, तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया। वो कहता है जब मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर रहा था ना तब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी ही आईडी थी। इतना बोलकर वो उसको बहुत मारता है। वो कहता है जब तक मेरे नुकसान का भरपाई नहीं करती तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, और इतना बोलकर वो अपने बेल्ट से उसे बहुत मारता है। अगले सीन में हम मोमी को देखते हैं। उसके पास वही लड़का आता है जो इनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही टेडी था जो उस टेडी वाले अकाउंट को चला रहा था। वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मास्क गर्ल हो। मोमी उसे धमकी देकर वहाँ से भगा देती है और कहती है कि अगर तुम गए नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ ही देर में चुने मोमी के पास आती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ में निकलने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो घर पहुंचकर अपना सारा सामान लेकर वहां से भागने के फिराक में थी, लेकिन तभी योंग उठ जाता है और उसको मारने लग जाता है। तभी वहां पर मोमी पहुंच जाती है और उसको पीछे से बहुत मारती है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद वो दोनों मिलकर योंग को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ किम को टेडी का मैसेज आता है। वो उसे मोमी का फोटो भेजकर कहता है कि मुझे कन्फर्मेशन है कि यही मास्क गर्ल है, और चुने और मोमी साथ में मिले हुए हैं। दूसरी तरफ ये दोनों मिलकर उस लड़के की बॉडी को कार में रख रहे थे और इस तरह से किम उन दोनों को देख रही थी। कार में पता चलता है कि मोमी प्रेग्नेंट है और बच्चा ओनाम का है। वो कहती है मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगी, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, मैं उसको बस प्यार दूंगी। वो दोनों उस लड़के को पानी में फेंक कर वहां से भागने ही लग जाते हैं। इतने में वहां पर किम पहुंच जाती है। वो अपना गन निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाती है। वो जैसे ही फायर करती है तो गन फायर होता ही नहीं, इसीलिए वो दोनों उसकी तरफ भागने लग जाते हैं और गड़बड़ में गोली चुने को लग जाता है। किम और मोमी के बीच में काफी लड़ाई होती है। जब तक वो किम को शांत कर पाती तब तक चुने मर जाती है। उसके बाद मोमी इन दोनों को गाड़ी में डालकर गाड़ी को पानी में धक्का दे देती है। लेकिन कुछ ही टाइम में पुलिस को इस बात की खबर मिल गई थी और पुलिस ने मोमी को अरेस्ट कर लिया था। हमें पता चलता है कि मोमी ने अपने आप ही खुद को सरेंडर कर दिया था। कुछ ही टाइम के बाद उसका ट्रायल शुरू हो जाता है और उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। जेल में शिफ्ट होने से पहले वो अपनी बेटी को जन्म देकर अपनी मॉम के घर लेकर आती है। उसने अपनी बेटी का नाम मीमो रखा था। वो अपनी मॉम से कहती है प्लीज आप मेरी बेटी का ध्यान रख लेना। मोमी ने उनको भरोसा दिलाया था कि कुछ साल में वो वापस आ जाएगी और आकर अपनी बेटी को ले जाएगी। लेकिन काफी साल बीत जाता है पर मोमी कभी वापस ही नहीं आई। टाइम बीतता गया और मोमी की बेटी मीमो बड़ी होने लग गई। बड़ी होकर मीमो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ड्रेसअप होती थी। ये सब देखकर उसकी नानी को बहुत गुस्सा आता था। मीमो को तो पता तक नहीं था कि उसकी मॉम के साथ आखिर हुआ क्या है। उसकी नानी भी कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, इसीलिए वो अकेली से रहने लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो दोस्त बनाकर खुश रहने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर एक दिन ये बात वायरल हो जाती है कि उसकी मॉम मास्क गर्ल थी। इसी वजह से उसके सारे दोस्त उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए वो खुद जाकर मास्क गर्ल के बारे में रिसर्च करती है। तब जाकर उसको पूरी सच्चाई पता चली। एक दिन मीमो भी अपनी मॉम की तरह ड्रेसअप होकर मास्क गर्ल बनकर डांस कर रही होती है। ये सब देखकर उसकी नानी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसको घर के बाहर निकाल देती है। सारी रात वो वहीं पर बैठी हुई थी, इसी वजह से उसका तबीयत बिगड़ जाता है। तरस खाकर उसकी नानी उसे अंदर लेकर आती है। अगले दिन उसको ये पता चलता है कि ये सारा खबर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फैलाया है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को जाकर बहुत मारती है। इसी वजह से मीमो की नानी को स्कूल बुलाया जाता है और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये सबसे परेशान होकर उसकी नानी उसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जिस भी शहर वो जाती थी वो रूमर वहाँ पर पहुँच ही जाता था। काफी समय बीत जाता है, मीमो बड़ी हो गई थी और उसका एक नए स्कूल में एडमिशन हो जाता है। नए स्कूल में पहुंचकर वहाँ की टीचर उसे येचुन नाम की लड़की के पास बिठा देती है। येचुन भी अपनी लुक्स की वजह से दोस्त नहीं बना पाती थी, इसीलिए वो आकर मीमो के पास बैठ जाती है। लेकिन मीमो उसे भाव नहीं देती, वो बोलती है कि मुझे अकेला रहना है। एक दिन इन दोनों की स्कूल में सफाई वाली ड्यूटी थी। ड्यूटी के बाद येचुन अपना कोई सामान बेचने के लिए बाहर चली जाती है। तभी कुछ लड़कियां उसको पकड़कर बुली करने लगती है। तभी वहां पर मीमो पहुंचकर येचुन को बचा लेती है और ऐसे करते करते वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। येचुन उसको सारा कुछ बताती थी लेकिन मीमो कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। तो येचुन कहती है तुम अपना सच्चाई बताती क्यों नहीं हो, तुम आखिर क्या छुपाती रहती हो। तो मीमो उसे प्रॉमिस लेकर उसे सारा सच्चाई बता देती है। वो कहती है ये सारा कुछ किसी को बताना मत। येचुन भी बताती है कि मेरे डैड रोज दारू पीकर मेरी मॉम को मारते हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी नहीं है, वो तो मेरी स्टेप मॉम है, इसीलिए वो घर से भाग जाना चाहती है। मीमो उसको बताती है कि उसकी मॉम जेल में है और उसे तो पता ही नहीं है कि उसके डैड कौन है।
जब येचुन घर आती है तो पता चलता है कि उसने मीमो से झूठ बोला था। उसकी तो एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है, पर येचुन को ऐसा लगता ही नहीं था कि उसकी फैमिली कोई हैप्पी फैमिली है। ऐसे करते करते वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। येचुन उसको पूछती है कि आखिर तुम्हारी मॉम जेल में क्यों है, तो मीमो बताती है उन्होंने किसी का मर्डर किया था। अब ये सब सुनकर वो क्यूरियस हो गई थी। वो इंटरनेट पर जाकर मास्क गर्ल के बारे में सब कुछ सर्च करती है। वो दोनों साथ में मिलकर कहीं भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो लोग अपने घर का छोटा मोटा सामान बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मीमो बताती है कि मेरे पुराने वाले स्कूल के बाहर एक लेडी एक स्टॉल लगाती थी और वो लेडी मुझे बहुत पसंद करती थी, हम उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन येचुन कहती है हमें अपने बलबूते पर पैसे इकट्ठा करना चाहिए, इसीलिए वो दोबारा से अपने ऑटोग्राफ किए हुए आइडल्स के फोटो बेचने के लिए पहुंच जाती है। तभी वहां पर वो बुली गैंग आ जाता है। उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में येचुन गुस्से में बोल देती है कि क्या तुम लोग जानते हो कि मीमो की मॉम आखिर है कौन। दूसरी तरफ हम मीमो को देखते हैं जो एक कैफे से लैपटॉप चुरा रही थी ताकि कुछ पैसे बना सके, लेकिन इतने में वो कैफे का ओनर देख लेता है और उसको पकड़कर जेल में ले जाता है। वहां पर उसकी नानी आकर उसे बहुत मारती है। उसकी नानी कहती है तुम कभी भी मेरे घर में वापस मत आना, तो मीमो कहती है मुझे आपके साथ वैसे भी नहीं रहना है। वहां से निकलकर वो येचुन को कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ। अब येचुन का भांडा फूट सकता था, इसीलिए वो जानबूझकर मीमो से झूठ बोल देती है। मीमो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रात भर स्कूल में रुक जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो स्कूल की सारी लड़कियां गॉसिप कर रही थी। सबको पता चल गया था कि इसकी मॉम मास गर्ल है। अब वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। स्कूल नहीं आने की वजह से येचुन परेशान हो गई थी और साथ ही में उसकी नानी भी परेशान हो जाती है क्योंकि किसी को भी मीमो कहीं नहीं मिल रही थी। अगले सीन में येचुन स्कूल से निकलकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो आज रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, और ये सारा कुछ मीमो पीछे से देख रही थी। वो समझ गई थी कि येचुन ने उसे झूठ बोला। येचुन के पास तो बहुत ही हैप्पी फैमिली है। उसके बाद मीमो उसको कॉल करके बुलाती है। वो उसको पूछती है कि तुम्ही ने वो रूमर फैलाया ना। उसके बाद वो येचुन को बहुत मारती है। तभी हम उसी स्टॉल वाली लेडी को देखते हैं जो हंसते हुए वहां से जा रही थी। ये वही लेडी थी जो मीमो के स्कूल के बाहर स्टॉल लगाती थी, जिसको मीमो दादी बुलाया करती थी। अगले सीन में हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मोमी को देखते हैं। उसको सजा मिलने पर उसे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके जेल में आते ही वहां पर ये बात फैल जाती है कि यही मास गर्ल है और इसने प्लास्टिक सर्जरी किया है। जेल में एक आंसुक नाम की लेडी थी जिसको इस जेल का क्वीन कहा जाता था। सारे कैदी उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसका कनेक्शन पॉलिटिशियंस के साथ था। उसको इस जेल में इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस को मार दिया था। जब वो मोमी को देखती है तो वो उसको अपने पास बुलाती है। वहां पर जाकर वो उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरी नजरों से दूर रहना क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे हस्बैंड के मिस्ट्रेस से मिलती जुलती है। एक दिन मोमी जब खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी थी तो वहां की लेडी एक लड़की को खाना नहीं देती क्योंकि वो लड़की एडल्ट्री के लिए जेल में आई थी और युनसुक ने रूल बनाया था कि जो लोग भी एडल्ट्री के लिए आते हैं उनको 3 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मोमी अपने प्लेट का खाना निकाल कर उसको दे देती है, जिस वजह से युनसुक की गैंग मोमी को तंग करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से मोमी की उनसे लड़ाई हो जाती है। सारी गलती उन लोगों की होती है, लेकिन मोमी को एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया जाता है। वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो वो दोबारा उनसे लड़ती है और इसी चक्कर में उसको दोबारा से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया जाता है। वो कंटिन्यूअसली ऐसा ही करना शुरू कर देती है। बार बार मार खा के युनसुक के गैंग वाले भी मोमी से डर रहे थे। ये सब देख कर युनसुक मोमी के पास जाती है और कहती है हम दोनों के बीच में जो भी था अब से वो खत्म होता है, आगे से हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाते हैं और जेल में एक नई जेलर आ गई थी। एक दिन अचानक से मोमी के पास एक लेटर आता है। इतने सालों में उसके पास कभी कोई लेटर नहीं आया था। उस लेटर के अंदर एक धमकी भरा मैसेज था। वहाँ लिखा था कि अब तुम्हें समझ में आएगा जब एक बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है तो माँ पर क्या गुजरती है। ये सब पढ़कर मोमी डर गई थी। वो समझ गई थी कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, इसीलिए वो जेल से भागने का प्लान बनाती है। इस चीज में उसकी रूममेट उसकी पूरी मदद करती है। पूरी तैयारी करके वो वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसके बाद उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर वो महीनों तक रहती है। अंदर बैठकर वो बस बाइबल पढ़ती रहती थी। जब 1 महीने के बाद उसको वहाँ से निकाला जाता है तो वो काफी बदली बदली सी बिहेव कर रही थी। वो कहती है जब मैं अंदर थी तब मैंने गॉड से बात किया, गॉड ने मुझे बताया कि वो मेरे सारे पाप धो देंगे और आज के बाद मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, और ये सारा कुछ वो पोडियम पर बोलती है। ये देखकर वहाँ के सारे जेलर उसे इम्प्रेस हो गए थे। कुछ दिनों के बाद वो युनसुक को रोता हुआ देखती है। ये वही लेडी थी जो मोमी को परेशान करती थी। वहाँ जाकर पता चलता है कि युनसुक की बेटी का किडनी फेल हो गया है। वो उससे कहती है कि मैं आपकी बेटी को किडनी दूंगी। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसकी बेटी और मोमी का ब्लड ग्रुप एक ही था। अगले सीन में जेल के अंदर कुछ रिलीजियस औरतें आती हैं। उन लोगों में मीमो के स्कूल के बाहर वाली
टॉल लेडी भी थी जिसको वो ग्रैंडमा बुलाया करती थी। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ओनाम की मॉम किम थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब मोमी ने उसको गाड़ी के अंदर बिठा कर पानी में धक्का दिया था तब वो मरी नहीं थी। वहां से निकलकर उसका एक ही गोल था, उसे कैसे भी करके मोमी को पकड़ना था। इसीलिए वो खुद का प्लास्टिक सर्जरी करवाती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर वो एक फेक आईडी बनाकर एक नई जगह को रेंट पर लेती है। अब क्योंकि मोमी जेल में थी इसलिए वो मोमी से बदला ले नहीं सकती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मोमी की बेटी मीमो से बदला लेगी। वो हर वक्त मीमो पर नजर रखती थी और एक्चुअली में किम ने ही ये बात हर जगह फैलाई थी कि मास गर्ल की बेटी स्कूल में जाती है। जब सारे बच्चे उसको तंग करने लग गए थे तो वो रोते हुए किम के पास ही आई थी। किम ने उसको ऐसी बातें सिखाई कि उसके दिमाग में ये बातें बैठ गई। उसने उसको कहा कि जब तुम्हें कोई परेशान करे तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर ना भूल पाए। और इसी वजह से मीमो ने जाकर येचुन को मारा था और अपनी दोस्त से लड़ाई करने के बाद वो और कहीं नहीं बल्कि किम के घर पर ही आई थी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में। किम मीमो से कहती है जितना सफर मैंने किया है उतना ही सफर अब तुम करोगी, जैसे मेरा बच्चा गायब हो गया वैसे ही तुम्हारा बच्चा भी गायब हो जाएगा। मोमी चिल्लाकर कहने लग जाती है मेरी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं किम बहुत सारा सामान लेकर अपने घर पर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि मीमो यहीं पर इनके साथ में रह रही थी। इस तरफ मोमी सारे लोगों को बताने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए वो जाकर युनसुक से मिलती है और उसको सारी सच्चाई बता देती है। युनसुक उसे भरोसा दिलाकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस लेडी के पीछे अपने आदमियों को भेजूंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर वो क्या कर रही है। इस तरफ मोमी की मॉम मीमो को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब वो वहां से बाहर आती है तो उनको मीमो का कॉल आता है। मीमो कहती है मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वैसे भी आप मुझसे प्यार नहीं करते थे। उसकी नानी उसको समझाती और बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीमो उनकी कोई बात नहीं सुनती। थोड़ी ही देर के बाद उनको मोमी का कॉल आता है। मोमी पूछती है कि मीमो ठीक है क्या। उसके बाद वो पूछती है कि क्या कभी मीमो ने किसी बुजुर्ग औरत के बारे में कोई बात बताया था, लेकिन मोमी की मॉम तो उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरी तरफ मोमी युनसुक की मदद से अपनी बेटी के स्कूल का फोन नंबर निकालती है। वो कॉल तो करती है लेकिन बात नहीं कर पाती, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वो मीमो नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। फिर हमको पता चलता है कि युनसुक एक्चुअली में मोमी के साथ कोई गेम खेल रही थी। उसको बस अपनी बेटी के लिए किडनी चाहिए था, इसी वजह से वो मोमी से मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसके बाद वो एक लड़की को यूनिफॉर्म पहना कर उसका फोटो क्लिक करके मोमी को दे देती है और बोलती है कि यही तुम्हारी बेटी है। दूसरी तरफ मीमो किम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि वो तो किम को अपनी असली दादी समझने लग गई थी। वो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ हम मोमी को देखते हैं जो उसी फोटो को देख रही थी जो उसे युनसुक ने लाकर दिया था। कहीं ना कहीं मोमी समझ गई थी कि ये उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो उस फोटो को फाड़ देती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पर मोमी सर्जरी के लिए निकल रही होती है। इस तरफ किम मीमो के खाने में कुछ मिला देती है। अगले सीन में मीमो की नानी किम का एड्रेस निकालने की कोशिश करती है क्योंकि उनको मोमी ने कहा था कि एक ऐसी लेडी को ढूंढो जो बुजुर्ग है और उसी के साथ मीमो गई होगी। दूसरी तरफ मोमी पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इस तरफ मीमो की नानी किम के घर जाने के लिए जा रही होती है, तभी वहां पर मीमो की दोस्त येचुन पहुंच जाती है। येचुन बताती है कि मैंने स्कूल में पता लगवाया, किम ही वो लेडी है जिसने मास गर्ल की सच्चाई पूरे स्कूल में फैलाई। इस तरफ मोमी किसी की गाड़ी चुरा कर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलती है। सबसे पहले वो कॉल करके अपनी मॉम को सारा सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि ओनाम की मॉम ने ही मीमो को किडनैप किया है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप बिना पुलिस को लिए वहां पर अकेले मत जाना क्योंकि वो लेडी बहुत डेंजरस है। मीमो की नानी येचुन को वहीं पर उतार देती है। वो बोलती है कि तुम्हें ले जाना बहुत रिस्की है, लेकिन येचुन टैक्सी पकड़कर उनके पीछे पीछे आती है। इस तरफ मीमो को जब होश आता है तो उसको किम की सारी सच्चाई पता चल जाती है। किम कहती है सारी गलती तुम्हारी मॉम की है, ये सारा कुछ उसकी वजह से हो रहा है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे बेटे को मार दिया। साथ ही में वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी ताकि वो मोमी को सारा कुछ दिखा सके। दूसरी तरफ मोमी के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर चलने लग जाती है। अगले सीन में किम के घर के बाहर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है जो कि तलाशी लेने के लिए आया था, लेकिन तलाशी लेने के बाद भी उसे अंदर कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने मीमो को घर के कालकोठरी में बंद करके रखा था। कुछ ही देर के बाद मोमी की मॉम भी वहां पर पहुंच जाती है। वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किम मोमी की मॉम को पटक देती है। थोड़ी ही देर में येचुन भी वहां पर पहुंच जाती है। मीमो की नानी उसे
अंदर भेज देती है और बोलती है कि मीमो को बचा कर लाओ। कुछ ही देर में मोमी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन तब तक उसकी मॉम बहुत जख्मी हो गई थी। वो अंदर जाकर दोनों को रेस्क्यू करके ला ही रही होती है, इतने में वहाँ पर किम पहुँच जाती है। किम के हाथ में नाइफ देखकर वो समझ गई थी कि इसने उसकी मॉम को मार दिया है। मोमी दोनों बच्चों को बाहर भेज देती है और वो अकेले किम से लड़ने लग जाती है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद वो बाहर आती है तो देखती है उसकी मॉम की हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने मर जाती है। जब वो वहाँ से निकलकर बाहर आती है तो पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन हम देखते हैं किम अभी तक मरी नहीं थी। वो बाहर आ जाती है, वो मोमी को सबक सिखाने के लिए मीमो के ऊपर शूट करती है, लेकिन पुलिस की गोली से वो खुद मर जाती है और अपनी बेटी की जान बचाते बचाते मोमी वहीं पर मर जाती है। यहाँ से सीन आ जाता है थोड़ा सा आगे, जहाँ पर मीमो की फ्रेंड येचुन के पेरेंट्स ने मीमो को अडॉप्ट कर लिया था और वो उन्नी के साथ उनके घर में रह रही थी। मीमो ने अपनी मॉम को माफ कर दिया था और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर दिया था। सीरीज के लास्ट सीन में उसको अपनी मॉम के कबर्ड से बहुत सारे कैसेट्स मिलते हैं। जब वो उस कैसेट को प्ले करती है तो यहाँ पर हम मोमी की वही वाली वीडियो देखते हैं जिसमें वो डांस कर रही थी। वो बोलती है मुझे बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनना है जिससे सब लोग प्यार करते हैं। और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।